अरबपति कारोबारी और देश की सबसे बड़ी डिजिटल पेमेंट्स कंपनी पेटीएम के फाउंडर और सीईओ विजय शेखर शर्मा अब सबसे बड़ा खेल करने की तैयारी में जुटे हैं। इस बड़े प्लान से विजय शेखर शर्मा देश के दिग्गज कारोबारियों में शुमार हो सकते हैं। तो कहानी ये है कि विजय शेखर शर्मा पेटीएम में अपने स्टेक को और बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, यानी वे पेटीएम में अपना स्टेक और बढ़ाने जा रहे हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि ऐसा कभी नहीं होगा जब मैं पेटीएम में और इक्विटी नहीं खरीदना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि पेटीएम में अब सबसे बड़ा शेयर होल्डर एक भारतीय है और ये मैं हूँ। मेरा मानना है कि ये एक बड़ा पड़ाव है। चीन के एंट ग्रुप के शेयर खरीदने के बाद से विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सबसे बड़े इन्वेस्टर बन गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम नेटवर्थ के मुताबिक विजय शेखर शर्मा की वेल्थ करीब $1 अरब है। रुपए में देखें तो ये करीब 8,200 करोड़ रुपए बैठती है। विजय शेखर शर्मा की रणनीति को इस लिहाज से भी अहम माना जा सकता है कि पेटीएम के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से अभी भी काफी नीचे चल रहे हैं। नवंबर 2021 में जब पेटीएम का आईपीओ आया था तब इसका इश्यू प्राइस 2,150 रुपए था और कंपनी ने इस आईपीओ से 18,300 करोड़ रुपए जुटाए थे। हालांकि इसकी लिस्टिंग के दिन ही इन्वेस्टर्स को तगड़ा झटका लगा और शेयर 1,955 रुपए पर लिस्ट हुए। इसके आईपीओ में जिन्हें शेयर मिले वे आज तक मुनाफे का इंतजार कर रहे हैं। इश्यू प्राइस से ये शेयर अभी भी 59% नीचे चल रहा है। हालांकि यही असली कहानी है। कहानी ये है कि विजय शेखर शर्मा को इश्यू प्राइस से इतने कम भाव पर कंपनी में स्टेक बढ़ाने का मौका मिल रहा है। मतलब पहले उन्होंने 2,150 रुपए के भाव पर चीज बेची और अब उसे ही 870 रुपए में खरीद रहे हैं, यानी उन्हें हो रहा है डबल मुनाफा। शर्मा के पास अब पेटीएम की 19.42% हिस्सेदारी है, जबकि एंटफिन की हिस्सेदारी घटकर 9.9% रह गई है। एंट ग्रुप के पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी कम करने से उन चिंताओं पर भी लगाम लगने में मदद मिल रही है कि एक चीनी कंपनी भारत की सबसे बड़ी पेमेंट कंपनी को चला रही है। भारत और चीन के बीच मौजूद तनाव के चलते ये चिंताएं बनी हुई थी। नोएडा हेडक्वार्टर वाली पेटीएम अपने पेमेंट्स बिजनेस को मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। कंपनी अब कर्ज बांटने के बिजनेस पर भी फोकस कर रही है। इसके साथ ही कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी के करीब भी पहुंच रही है, यानी जल्द ही कंपनी मुनाफे में भी आ सकती है। ऐसे वक्त पर विजय शेखर शर्मा का पेटीएम में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर करीब 20% पहुंचाना और कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर बनना रणनीति के लिहाज से बेहद अहम कहा जा सकता है। इसके साथ ही वे और स्टेक खरीदने का भी प्लान बना रहे हैं। इसका असर पेटीएम के शेयरों पर भी दिखाई दे रहा है। मंगलवार को पेटीएम के शेयर 1.55% उछलकर 870 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। प्रॉफिट की ओर बढ़ने और शर्मा के हिस्सेदारी बढ़ाने से बीते 6 महीने में पेटीएम के शेयर 39% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। इतना ही नहीं, 2023 में अब तक पेटीएम के शेयर 63% से ज्यादा रिटर्न दे चुके हैं। खैर, शर्मा अपनी कंपनी में अब सबसे बड़े इन्वेस्टर तो हैं ही और इसे प्रॉफिटेबल बनाने पर भी तेजी से काम कर रहे हैं। अब इन्वेस्टर्स तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द ही उनका इन्वेस्टमेंट भी प्रॉफिट में आए। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।